दंगा बीत गया लेकिन पीछे छोड़ गया हजारों लोगों के लिए एक ऐसा दर्द जिससे उबरना आसान नहीं है। कुछ घंटों की उस दहशत ने लोगों को मजबूर कर दिया अपना घर बार छोड़ने के लिए। सासाराम में आज बड़ी तादाद में लोग सुरक्षित जगहों के लिए पलायन करते नजर आए। आरोप प्रत्यारोप जारी है लेकिन कोई जरा इन लोगों का दर्द समझे जो अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर है। थर-थर चला है, गोली वोली सब चला है। रमनोनी के लोग चार गो मोटरसाइकिल से आए लोग, जुलूस मिले उन लोग का, जय श्री राम बोलते हुए आए लोग यहाँ से मस्जिद में टूटे लोग, टूटने के बाद पूरा चहट लिए लोग यहाँ के सीसी कैमरा भी। लेके सामान चल गए, कुछ भी नहीं किया। कौन लोग ने किया है घटना? वही जो बैंक। कहाँ की घटना है? ससराम के सपुल्लागंज के। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। दंगाइयों को किसी के दर्द का कोई एहसास नहीं होता। ये बात आज सासाराम की तस्वीरों से साबित हो जाएगी। समझ में आ जाएगा कि दंगा करने वाले आते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर बरसाते हैं और चले जाते हैं। पीछे छूट जाता है अथा दर्द, लंबी तकलीफ, और जिसके शिकार हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी। पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर कर लीजिए, आपको दंगों के बाद का दर्द समझ में आ जाएगा। सासाराम में लोग बेघर हो रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, अपना सामान समेट कर जा रहे हैं। उनको अब नहीं रहना उस घर मोहल्ले में जहां जान पर बना है। ये दूर जाना चाहते हैं, सुरक्षित जगह पर, जहां आशियाना था, सपनों का घर था। उस इलाके को दंगाइयों की नजर लग गई है। सासाराम में बड़े पैमाने पर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। कोई हाथों में ही सामान लेकर चल दिया है, कोई रिक्शा में सामान लेकर जा रहा है, तो कोई कार में बचा खुचा सामान ढूंढ रहा है। अब मुद्दे पर आते हैं। पलायन दोनों कर रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। ये घर मोहम्मद कुरैश का है जो घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके घर में अब तक आग लगी है, संदूक धधक रहा है, कह रहे कि अब यहां महफूज नहीं है। तो बच्चे का सामान यहाँ रहा, सब में आग लगा कर सारा सामान जल गया। हमारी लड़की, हमारा मर्द भी नहीं है, हम कहेंगे सहारे हम जिएंगे। हम लोग दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, कोई साथी दिया हमारा। प्रशासन यहाँ सारा प्रशासन खड़ा था, भैया हम लोग के सामने आग लगाया, भैया कोई हम लोग का सहायता कोई नहीं किया। कुरैश के घर के एक सदस्य की जुबानी सुनिए कि कैसे दंगाइयों ने तांडव मचाया था। सब हमने कुछ भी नहीं बचा, मजदूर आदमी सब जला दिया, सब अपना सब लूट के ले गया। सब 50-50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ रहा, सब चाह रहा। उसके बाद में कोई सभी मतलब ये घर का हिफाजत नहीं किया सर। अगर कुरैश घर छोड़ने को मजबूर हो गए तो फूल कुमार से भी, ये भी दंगाइयों के शिकार हुए और घर छोड़कर जा रहे हैं। ठेले पर सारा सामान लाद दिया है, अब इस घर में नहीं रहना। क्यों यहाँ रहे फिर वहाँ रहे, जहाँ मन तहाँ रहे। नहीं यहाँ का क्या डर लग रहा है क्या? कोई डर नहीं है, 2-3 जगह मेरा मकान है, कहूँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और कंचन कुमारी की तो अभी बचपन की उम्र है, लेकिन दंगे ने डरा दिया है। सासाराम का घर छोड़कर गांव जा रहे हैं। जरा इस बच्चे की जुबानी सुनिए दंगे का दर्द। हम लोग गाँव जा रहे हैं, काहे यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं? यहाँ कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो घर खाली करके जा रही हैं? हाँ घर खाली करके, जब माहौल ठीक होगा तो यहाँ आया जाएगा, नहीं तो वहीं रह। हर कोई शिकार बना है, हर किसी ने दर्द भुगता है, लेकिन ये दर्द देने वाले मुट्ठी भर लोग थे जिनको लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे।
सासाराम से मनोज कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार से बंगाल तक दो दिन दंगों के नाम रहे। बिहार के दो शहर सुलगे तो बंगाल का हावड़ा दो दिन तक उपद्रव के आगे करहाड़ता रहा। शुक्र है कि तमाम शहरों में अब शांति है। सियासी बयानबाजी तो जारी है लेकिन ग्राउंड जीरो पर शांति है। दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे रोकने में नाकाम रही पुलिस अब एक एक करके सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पहले सुस्ती रही लेकिन अब ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। बिहार से बंगाल तक गनीमत है कि आज शांति है। दंगाई अपना काम करते जा चुके हैं। बचा रह गया है पुलिस का काम। अब सरकारें जांच कदम भर रही है। बिहार के दो शहर सुलगे थे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरा एक्शन होगा। तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया है लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जाँच करिए। बिहार शरीफ में किताबों के गोदाम से अब तक धुआं उठ रहा है। लोग बचा कुचा सामान समेट रहे हैं। जली बसें खड़ी हैं। नालंदा में अब पुलिस और प्रशासन चेत गया है। गश्त की जा रही है। खुद डीएम और एसपी काफिले के साथ गश्त कर रहे हैं। सासाराम में भी पुलिस की मोर्चाबंदी दिखती है। रोहतास के एसपी यहाँ कैंप कर रहे हैं। हावड़ा का रुख करते हैं। यहाँ भी दो दिन तक दंगा हुआ लेकिन आज शांति है। शिवपुर इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। दो दिनों के तनाव के बाद आज पहली बार ड्रोन यहां पर तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है क्योंकि परसों रात जो हुआ था उसके बाद कल दोपहर अचानक से हिंसा भड़की थी और उसके बाद फिर रात तक 144 धारा लागू की गई और आज अभी थोड़ी देर पहले से ही ड्रोन को यहां पर तैनात करके जो इफेक्टेड जगह हैं जहां पर पिछले दो दिनों में हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, उन जगहों पर नजर रखी जा रही है। वडोदरा में भी शांति। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सब जगह हालात काबू में है लेकिन काश कि पुलिस यही सतर्कता वक्त रहते दिखाती। आज तक ब्यूरो।